वेलकम टू ज्ञान में चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्कल। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है, पहले हमें बनाना है एक सर्कल, उसके बाद हमें बनाना है दो पैरेलल लाइंस। उसमें से एक लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्कल के, और दूसरी लाइन क्या होगी, सेकंड। उससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले समझ लेते हैं टेंजेंट क्या होता है, सर्कल क्या होता है और सेकंड। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सर्कल की, सर्कल की क्या क्वालिटी होती है, इसकी एक सेंटर होती है, दिस इज अवर सेंटर, इसको हम नाम देते हो। अब इस पॉइंट से याद रखना, सर्कल की जो जितने भी सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, दैट इज इक्विडिस्टेंट। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है सर्कल की, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये हमारी होगी सर्कल की डेफिनेशन। अब हमें बोला है इसके हमें क्या बनाना है, टेंजेंट्स एंड सेकंड। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली एट अ सिंगल पॉइंट, मींस अगर मैं ये बनाता हूँ एक, दिस इज अवर टेंजेंट, ये लाइन क्या है मेरी, टेंजेंट। सर्कल को आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहे, दिस इज द, यहाँ पे सर्कल को टच कर, ये रहा हमारा पॉइंट दिस, तो ये क्या हो गई हमारी टेंजेंट। अब सेकंड बोला है, सेकंड क्या होती है, सेकंड भी एक लाइन होती है बट ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, देख लेते हैं दिस इज अवर सेकंड। अब देखो ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, एक दिस इज वन फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट, मींस याद रखना दो पॉइंट पे कट करेगी तो क्या हुआ, सेकंड। ये तो हो गया हमारा टेंजेंट, सर्कल और सेकंड की डेफिनेशन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है हमें दो पैरेलल लाइंस बनानी है, उसमें से एक क्या होनी चाहिए टेंजेंट और दूसरी क्या होनी चाहिए सेकंड। पहले हम पहली पैरेलल लाइन बनाते हैं जो कि क्या होगी टेंजेंट, आप देख सकते हैं हमने बना दी है टेंजेंट, अब इसको नाम दे देता हूं मैं इस टेंजेंट को, दिस इज अवर ए पॉइंट, दिस इज अवर बी पॉइंट, और जहां पे कट कर रहा है सर्कल को, दैट इज अवर सी, एक ही पॉइंट, ठीक है। तो ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी क्या है टेंजेंट, और हमें दूसरी लाइन बनानी है, वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी पहली लाइन के बट वो क्या होगी सेकंड टू द सर्कल। अब हमें क्या बनानी है सेकंड, सेकंड क्या होनी चाहिए इसके पैरेलल में, मैं अगेन लेता हूँ दिस, और ये मैंने देखो सेकंड बाय, सेकंड क्या है देखो सेकंड ये दो पॉइंट पे कट कर, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सेकंड क्या कर रही है दो पॉइंट पे, इसको भी हम नाम दे देते हैं, सेकंड का नाम हमारा है डी, और ये सर्कल को काट रही है पॉइंट एफ और जी पे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा डी, क्या है हमारा डी इज सेकंड। अब क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था हमें दो लाइंस बनानी है, दोनों की पैरेलल होनी चाहिए। अब याद रखना आपको ये भी लिखना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू डी, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एक उसमें से ए बी क्या हमारा टेंजेंट है और डी क्या हमारा सेकंड। हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और हमारी एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म होती है। ज्ञान में से जुड़े रहिए, थैंक यू।